नमस्कार, मैं रवि कुमार सिन्हा सेकेंड साइट फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पतंजलि योग सूत्र से एक सूत्र, जिसमें पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। यह सूत्र विभूति पाद से लिया गया है। यह 18वें नंबर का सूत्र है, जिसमें पतंजलि बताते हैं पूर्व जन्म के बारे में कि पूर्व जन्म कैसे किसी योगी या ध्यानी को अपने आप ज्ञात होने लगता है। यह केवल योगी और ध्यानियों के लिए है, आम आदमियों के लिए नहीं है। जो योग और ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं, यह उनको उनके साथ यह नहीं हो सकता है जो इस सूत्र में बताया गया है। ये सूत्र है संस्कार साक्षात्कार नात पूर्व जाति ज्ञानम, अर्थात अतीत में जो गुजर चुका है उसके संस्कारों को अगर आप पूर्णतः समझ लेते हैं तो इस जीवन में आपको अपने पूर्व जीवन की जानकारी हो जाती है। संस्कारों को समझने की बात कही गई है। अतीत में जो भी संस्कार आपने हासिल किया है, संस्कार क्या होता है? सोचने का, विचारने का संस्कार, भाव का संस्कार, क्रोध का संस्कार, घृणा का संस्कार, अहंकार का संस्कार, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यही खाता हूँ, मैं यही पीता हूँ, अर्थात पैटर्न, अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कही जाए तो पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं कि आप किस किस तरह के पैटर्न में फंसे हुए हैं। पैटर्न संस्कार के लिए आज के ज़माने में उपयोग की जा सकती है। तो किस किस तरह के आप पैटर्न में फंसे हुए हैं, उसको अगर आप उसको अच्छे ढंग से समझ जाते हैं और ध्यान साधना कर रहे हैं तो आपको अपने पूर्व जीवन की जानकारी अपने ध्यान में आपको मिल जाएगी। लेकिन यह आम आदमी के लिए नहीं है। अगर आम आदमी ऐसा कहे कि मैं अपने संस्कार को समझ गया, क्योंकि संस्कार समझना ही केवल तभी शुरू होता है जब आप ध्यान करने लगते हैं, जब आप गहरे ध्यान करने लगते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्र को चार भागों में बांटा है। पहला का समाधि पाद, दूसरे को साधन पाद, तीसरे को विभूति पाद और चौथे को कैवल्य पाद कहा गया है। इन चारों खंडों में पतंजलि योग सूत्र के इन चारों खंडों में बताया गया है कि कैसे आप पूरे के पूरे योग को समझ सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं। उन्हीं में से एक सूत्र ये है, 18वें नंबर का सूत्र है जो मैंने आपको बताया, संस्कार साक्षात करनात पूर्व जाति ज्ञानम, अर्थात आप अपने पूर्व में किए गए जो भी संस्कार है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपना पूर्व जीवन दिख जाता है, समझ में आ जाता है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, पूर्व में जो भी आपने किया है अगर आप उसे समझ ही लेते हैं तो मन क्या हो जाएगा? मन को जब आप समझ लेते हैं तो मन खाली हो जाता है, तो आपको अपना पूर्व जीवन भी आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही वीडियो अगर आपको आगे चाहिए भविष्य में जानकारी पूर्ण, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नई नई वीडियोस रोज लाता रहूँगा, देता रहूँगा नई नई जानकारी, और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला, आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, या जो कुछ भी हो आप बताएँ। धन्यवाद।